परदेस फिल्म में गंगा का रोल करने वाली मासूम सी लड़की जिसने पहली ही फिल्म से स्टारडम की तरफ रुख कर लिया, फिर क्यों अचानक बड़े पर्दे से यूं गायब हो गई? उसकी वजह थी एक हादसा जिसने महिमा चौधरी का फिल्मी करियर ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ बैलेंस भी हिला कर रख दिया। वो हादसा जिसके बारे में बात करते ही महिमा की आंखें आज भी भर आती हैं, वो हादसा जिसके बारे में खुलकर बात करने में महिमा को इतने साल लग गए, उसी हादसे के पीछे की पूरी कहानी जानेंगे इन टुडेज एपिसोड ऑफ एंटरटेनमेंट नाउ। में सुभाष घई की फिल्म परदेस से डेब्यू करने वाली महिमा चौधरी इस फिल्म के हिट होते ही रातों रात स्टार बन गई। अगले एक दो सालों में भी खूब कामयाबी मिली और अपने करियर के शिखर पर थी जब एक दुर्घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। बात है 1999 की, जब महिमा काजोल और अजय देवगन के साथ फिल्म दिल क्या करे में काम कर रही थी। उसी दौरान वह बेंगलुरु में थी और एक दिन जब वह शूट पर जा रही थी तो उनकी गाड़ी का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिमा की गाड़ी के शीशे टूटकर महिमा के चेहरे पर जा धंसे। हाल ही में एक इंटरव्यू में पहली बार इस हादसे के बारे में खुलकर बात करते हुए महिमा कहती हैं कि उस वक्त उनकी हालत ऐसी थी कि उन्हें लगा कि वह नहीं बचेंगी। उस वक्त कोई मदद के लिए भी नहीं आ रहा था तो खुद ही किसी तरह वह अस्पताल पहुंची। उसके बाद जब काफी देर बाद उन्हें होश आया और अपना चेहरा महिमा ने आईने में देखा तो उनके होश उड़ गए। महिमा बताती हैं कि सर्जरी के दौरान उनके चेहरे से 67 यानी 67 कांच के टुकड़े निकाले गए थे, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर सिर्फ टांकों के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। जाहिर सी बात है कि महिमा को इस हादसे से फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी उभरने में बहुत समय लग गया। ना ही सिर्फ उन्हें रोशनी में आने की मनाही थी बल्कि वह खुद भी अपना चेहरा देखना पसंद नहीं करती थी। हादसे से पहले महिमा के पास कई फिल्में थी जिन सबसे इस एक्सीडेंट के बाद उन्हें हाथ धोना पड़ा और बॉलीवुड में उनका करियर लगभग खत्म हो गया। इस दौरान महिमा को अपनी निजी जिंदगी में भी डिप्रेशन की वजह से काफी मुश्किल वक्त देखना पड़ा। उस मुश्किल समय के दौरान तकरीबन सभी लोगों ने जहां अपने पैर पीछे खींच लिए थे, वहीं इंडस्ट्री के कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने महिमा की मदद करने की भी काफी कोशिश की, जैसे कि अजय देवगन और अक्षय कुमार ने महिमा को अपनी फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स भी दिए। लेकिन उसके बाद फिर उनका करियर फिर से पहले की तरह टेक ऑफ नहीं कर पाया और महिमा ने हमेशा के लिए फिल्मों से दूरी बना ली। और यही वजह है कि आज भी इस बारे में जिक्र करते ही महिमा की आंखों में पानी आ जाता है। लेकिन जिस बहादुरी के साथ महिमा ने अपनी जिंदगी के इस दौर का सामना चुपचाप और अकेले किया, वो वाकई में ही काबिले तारीफ है। आप क्या कहेंगे महिमा की जिंदगी के इस बुरे दौर के बारे में, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल एंटरटेनमेंट नाउ से आज के लिए दीजिए यही इजाजत, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, टिल वी मीट अगेन।